चावल की रोटी ताजी सब्जियों को मिलाकर बनी हल्की स्पाइसी, इसे चटनी, अचार या चाय के साथ परोस दीजिए या फिर बच्चों के टिफिन में रख दीजिए। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने एक कप चावल का आटा ले लिया है, इसमें डालेंगे हम सब्जियाँ। तो ये आधा कप ग्रेटेड गाजर, आधा कप ग्रेटेड फूल गोभी, आधा कप ग्रेटेड पत्ता गोभी और आधा कप बारीक कटी हुई कैप्सिकम, दो हरे मिर्च बारीक कटे हुए, मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके ले लिया है, आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं इसकी जगह, एक छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और दो तीन टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो इसके अंदर सब्जियां हैं, इनमें खुद बहुत सारा वाटर होता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छा हल्का सा सख्त आटा गूंथेंगे। डो हमने बना लिया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और सख्त भी नहीं है। इतना डो लगाने में हमने ये आधा कप पानी लिया था, उसमें से भी एक टेबल स्पून पानी बच गया है। इसे हम ढककर 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी सेट हो चुका है। रोटी बनाने के लिए तवा गरम कर लेते हैं। थोड़ा सा दूध तोड़कर ले लेंगे और इसे गोल करेंगे, चपटा कर लेंगे। तो ये हमारी लोई बन गई। इसे हम सूखे चावल के आटे में लपेट लेते हैं और इस तरीके से गोल करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे। इसे फिर से हम आटे में लपेट लेंगे। अब बिल्कुल हल्का दबाव देते हुए इसे गोल मोटा सा बेलेंगे। इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, पतला नहीं करना है, थोड़ी सी मोटी ही रखनी है। आप चाहे तो इसे आप पॉलीथीन पर भी बेल सकते हैं। तो ये हमने इसे बेलकर तैयार कर लिया। तवे पर थोड़ा सा घी डालकर लगा लेते हैं और रोटी को बहुत ही आराम से हमें उठाना है, क्योंकि ये टूटती बहुत जल्दी है। इसको हाथ से थोड़ा सा आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं हथेलियों से दबाते हुए, और सिकने के लिए डाल देते हैं। फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे और इसे नीचे से सिकने देते हैं। रोटी को हमने 2 मिनट नीचे की साइड से सेक लिया है, ऊपर से थोड़ी सी डार्क हो गई है, हम इसे पलट देते हैं। इसे हमें दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन चित्ती आने तक सेकना है। आप इस रोटी को बिना घी तेल के बनाना चाहते हैं तो बिना कुछ लगाए दोनों ओर अच्छी गोल्डन ब्राउन चित्ती आने तक सेक लीजिए। रोटी को हम दूसरी साइड से भी देख लेते हैं कैसी सिकी है। हाँ, दूसरी ओर भी अच्छी चित्ती आ गई है। ये देखिए, दोनों साइड से अच्छी चित्ती आ गई हैं, सिक चुकी है ये। तो इसी तरीके से हमें सारी रोटी बेलनी है। ये थोड़ा सा बढ़ाते हुए हम इसे बना लेते हैं तो बेलने में बड़ी आसानी होती है। थोड़ा आटा लगा लिया और हाथ से भी इस तरीके से इसे बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा सा हाथ से और दबाकर बढ़ा देते हैं। अब हम घी लगा के रोटी बना रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े इस तरीके से होल कर लेंगे और इसमें घी डालेंगे और अच्छा खस्ता सेकेंगे। पलट देते हैं और थोड़ा सा घी इधर भी लगा देंगे और दोनों ओर बिल्कुल उसी तरीके से सेक लेंगे। ये रोटियां हमने सेक कर तैयार कर ली। एक रोटी बनने में लगभग 5 मिनट लग जाते हैं। वेजी राइस रोटी सर्व करने के लिए तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे चटनी के साथ या अचार के साथ में सर्व कर सकते हैं और ये बिना किसी के भी बहुत अच्छी लगती है। इसे हमने बिना घी के भी बनाया और घी लगाकर भी बनाया है। जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से आप इस रोटी को बना सकते हैं।
बनाना तो आसान है ही, बस बेलते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, रोटी को बहुत पोलाइटली बेलना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना है। आप बहुत अच्छी वेजी राइस रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो आप ये रोटी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे ये भी बताइए कि आपके लिए मुझे कौन सी नई रेसिपी बनानी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।